दोस्तों नमस्कार। डहर एप्लीकेशन के अगले स्टेप में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों डहर एप्लीकेशन के माध्यम से जो शिशु सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं उसकी आपके विद्यालय स्तर के तीन स्टेप हैं। दोस्तों वो तीन स्टेप कौन कौन से हैं? पहला स्टेप जो था वो आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा, हेडमास्टर के द्वारा डहर एप्लीकेशन को लॉगिन करने की प्रक्रिया थी। लॉगिन करने के बाद टोला को सभी शिक्षकों के बाद बांटना था। दूसरा स्टेप सभी शिक्षकों के द्वारा शिशु सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया थी। ये दोनों प्रक्रिया आपको मैंने पिछले दो वीडियो में बताया था। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यहाँ पे जो है डहर एप्लीकेशन में आपके विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा जो डाटा अपलोड किए गए हैं उसे आपके विद्यालय के हेडमास्टर के लॉगिन से अप्रूव्ड या डिसअप्रूव्ड या एडिट करने की प्रक्रिया है। आप जब तक इसे अप्रूव नहीं करेंगे आगे बढ़ेगा नहीं। अगर कुछ त्रुटियां होगी तो डिसअप्रूव किया जाएगा, जिसको जो है से फिर से संशोधन किया जाएगा। अगर आप चाहें तो आपके विद्यालय के हेडमास्टर ही इसे एडिट करके उसे संशोधित कर सकते हैं। तो ये तमाम बिंदुओं को मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। आपके तमाम छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर मैं छोटे बड़े वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूं ताकि आपकी समस्याएं दूर हो। इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अब आप वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले अप्रूव करने के लिए तो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होने आवश्यक था, पर सभी के पास ये अवेलेबल नहीं है। इसलिए आपके मोबाइल में ये क्रोम ब्राउज़र होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड कर लें। हालांकि ये सभी के मोबाइल में अवेलेबल होते हैं। तो ये क्रोम ब्राउज़र को हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक वेबसाइट डालना होगा जो है demo.velsoft.com demo.velsoft.com। आपको इस साइट को इंक्लूड करना है। आप जैसे ही इस साइट को इंक्लूड करेंगे आपके पास आप देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आप देखेंगे यहाँ कोने में आपके विद्यालय का नाम दिखाई देगा। आप उसके बाद क्या करें, नाम देखने के बाद आपको इधर में बाएं साइड में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे हाउसहोल्ड डैशबोर्ड, चिल्ड्रन डैशबोर्ड, रेवेन्यू विलेज, चिल्ड्रन डिटेल, रिपोर्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो ये सारे को आपको क्लिक नहीं करना, आपको यहाँ जो सर्वे है ये सर्वे पर क्लिक करना है। आप इसे सर्वे पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने इस प्रकार के बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, हाउसहोल्ड इन्फॉर्मेशन, चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन, चिल्ड्रन रिपोर्ट अदर। तो आपको यहाँ हाउसहोल्ड इन्फॉर्मेशन को क्लिक करना है। आप जैसे ही हाउसहोल्ड इन्फॉर्मेशन को क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार के आपके विद्यालय के नाम, CRC का नाम, पंचायत का नाम, ये सब अवेलेबल हो जाएगा। और साथ ही साथ आपके विद्यालय में जो डाटा अपलोड किए गए हैं आपके विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा वो सारे डाटा क्रमबद्ध तरीके से आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ये जैसे ही आप देखेंगे तो देखने के बाद कोई एक डाटा को आप खोलेंगे, देखिए सेक्शन जो है इसको देखेंगे, आपके विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं उनके द्वारा ये खोला जाएगा। तो सेक्शन जो है इस सेक्शन के नीचे जो बटन है उसको क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिर से दो ऑप्शन आया, एक है एडिट का, दूसरा अप्रूव्ड या डिसअप्रूव्ड। तो अभी ये जो डाटा जो आपके सामने है अगर उसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कोई भी त्रुटि अगर छूट गया हो, कोई भी प्रकार का कोई संशोधन की आवश्यकता हो, आप उसे कर सकते हैं। या तो आप उसे अप्रूव कर सकते हैं या तो फिर डिसअप्रूव करके पुनः आप उस शिक्षक के पास वापस भेजेंगे जो शिक्षक के द्वारा ये डाटा अपलोड किया गया है। तो अप्रूव्ड या डिसअप्रूव्ड की प्रक्रियाएं जो है यहीं से आता है। तो आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे
तो उसके बाद अप्रूव्ड सपोज कीजिए कि मुझे अप्रूव्ड करना है, तो मैं अप्रूव्ड या और डिसअप्रूव्ड पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए ये सारे ऑप्शंस उस जो शिक्षक के द्वारा डाला गया था वो सारे बिंदु क्रमवार तरीके से पूरा फॉर्मेट आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ देखें फिर से दो तीन ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक है अप्रूव्ड, दूसरा डिसअप्रूव्ड, तीसरा यहाँ कैंसिल। अब आपके विद्यालय के हेडमास्टर इसे करना क्या चाहते हैं, अप्रूव्ड करना चाहते हैं या डिसअप्रूव्ड करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं, तो ये तमाम प्रक्रिया आपको यहाँ पर करना होगा। अप्रूव्ड अगर करते हैं तो आपका जो डाटा था वो अप्रूव्ड होकर आपके ऑफिसर के लॉगिन में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि अप्रूव्ड करने से पहले एक बार अच्छे तरीके से अपने डाटा को जांच कर लें, चेक कर लें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए इसे अप्रूव्ड करने से पहले एक बार अवश्य ही अप्रूव्ड करें। अभी मैं अप्रूव्ड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं अप्रूव्ड कर पर क्लिक करूँगा अभी जो डाटा हमने दिखाया था वो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार के अप्रूव्ड करने की प्रक्रिया है। अब अगर किसी भी प्रकार के और भी कोई समस्या हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं। एक बात और यहाँ पे प्रारंभ में ही जो बता देना चाहिए था वो हमने मिस्टेक से छोड़ दिया, उसे ध्यान देंगे। आप जब demo.valeshop.com पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्कूल के डैश कोड और यूज़र नेम, स्कूल का डैश कोड और पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद जो है से वो डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा ओपन हो जाएगा, जो इस प्रकार जो अभी हमने बताया वो शो करेगा और आप अप्रूव्ड या डिसअप्रूव्ड कर पाएंगे। तो किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।